पिटी और लो ना। नहीं नहीं माँ बस, मुझे हॉस्पिटल पहुंचने में वैसे ही देर हो गई है। पिटी तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है? आखिर क्या कुछ नहीं छोड़ा तुम्हारे डैडी ने हमारे लिए? रुपया, पैसा, जायदाद सब कुछ तो है। अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं, उन्हें मत टुकराओ। माँ रिश्ते तो परिंदों की तरह होते हैं, कब उड़ जाए क्या भरोसा। माँ मुझे इन सब रिश्तों की कोई परवाह नहीं है। जब तक मैं डैडी की तरह अपना नाम और मुकाम हासिल न कर लूं, मैं शादी नहीं करूंगी। बाय माँ। हेलो हेलो डॉक्टर, हमारे हॉस्पिटल के लिए बड़े फख्र और खुशी की बात है कि 3 साल कोमा में रहने के बाद किसी को होश आया। हमें उस पेशेंट के साथ बड़ी सावधानी बरतनी होगी। उसके दिमाग के किसी भी नस पर अगर जरा भी दबाव या जोर पड़ा तो वो फिर से कोमा में जा सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर पल एक डॉक्टर उसके साथ मौजूद रहे। सर, ये जिम्मेदारी मैं पूरी तरह निभा सकती हूं। गुड, इससे पहले तुम मुझसे आकर उस केस की फाइल ले लो। जी सर। ओके? हाँ, और साथ में आरोपी भी। हाँ, आज शाम तक चाहिए मुझे। इज इट द कमिश्नर्स ऑफिस? यस। देखिए, मैं संतोष हॉस्पिटल से बोल रही हूँ, मुझे कमिश्नर प्रताप सक्सेना से बात करनी है। सर, संतोष हॉस्पिटल से कमिश्नर प्रताप सक्सेना के लिए फोन, लेकिन प्रताप सक्सेना साहब तो रिटायर हो चुके हैं। हाँ, वो फोन दो और एक काम करो, ये फाइल रख दो। ओके सर। एसीपी प्रताप सक्सेना स्पीकिंग। कमिश्नर साहब, देखिए, इस हॉस्पिटल में कोमा का पेशेंट है मिस्टर राज सिन्हा, उसे होश आ गया है। What? Yes, sir. ये बात तुमने किसी से कही तो नहीं? जी नहीं। गुड, और कहना भी नहीं, राज राज रहना चाहिए। हाँ, मैं खुद देखने आता हूं पेशेंट को। कौन? मैं एसीपी शिर्के बोल रहा हूं। हाँ, बोल शिर्के। सर, बहुत बुरी खबर है हम सबके लिए। क्या? वो राज सिन्हा जिंदा है। मगर तूने तो बोला था वो मर गया। सर, अभी अभी हॉस्पिटल से फोन आया था कि राज वहां पे कोमा में पड़ा था, लेकिन अब उसे होश आया है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं सर, आप कहे तो। नहीं, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं देख लूंगा। क्या नाम बताया था उस हॉस्पिटल का? रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर राज, काम डाउन, टेक इट इजी मिस्टर राज। देखिए, आप आराम कीजिए, अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए। आप अभी अभी कोमा से बाहर आए हैं। रिलैक्स मिस्टर राज, रिलैक्स। कोमा? कहाँ से? यही कोई 3 साल से। काम डाउन। 3 साल? बाबा, 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 बाबा खोल बाबा, मैं बोला
पहचाना बाबा मेरे को? पहचाना? मैं भोला, पहचाना मेरे को? भोला, भोला भैया, 3 साल से बहुत भाई बनकर तेरे होश में आने का इंतजार कर रहा हूँ बाबा। कमिश्नर साहब ने मेरे को तेरी देखभाल के लिए रखा है यहाँ। कमिश्नर प्रताप सक्सेना, बाबा याद आया तेरे को? ये क्या हो रहा है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बाबा बाबा, मैं अभी कमिश्नर साहब को फोन करके आता हूँ कि तेरे को होश आ गया। मैंने कमिश्नर साहब को फोन कर दिया है, आप प्लीज मेरे पेशेंट को डिस्टर्ब मत कीजिए। किसे फोन कर दिया आपने? कमिश्नर साहब को। कमिश्नर प्रताप सक्सेना रिटायर हो चुके हैं, वो आजकल बॉम्बे में है। आपने आपने कहीं एसीपी सर को फोन नहीं कर दिया? रबिश, हे भगवान। व्हाट्स हैपनिंग? ले जा रहा हूँ, यहाँ पर उसकी जान को खतरा है, आपको मेरी मदद करना चाहिए। Stop it! Impossible! चीफ डॉक्टर की इजाजत के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। आप समझते क्यों नहीं है डॉक्टर, वो लोग बाबा को मार डालेंगे। पर हॉस्पिटल रिकॉर्ड में साफ साफ लिखा है कि जब उन्हें होश आ जाए तब कमिश्नर सक्सेना को फोन करना है, और मैंने वही किया है। आप समझते क्यों नहीं है, ये वापस कोमा में जा सकते हैं। लेकिन आपने कमिश्नर सक्सेना को फोन नहीं किया, आपने एसीपी सरके को फोन किया है। मैं बाबा को यहाँ नहीं छोड़ सकता। Stop it! I said stop it! आप? हेलो सिक्योरिटी। ए कौन हो तुम? Yeah.
ये ठीक तो है ना डॉक्टर? बाबा तुमने हॉस्पिटल में इसकी 3 बरस तक सेवा की, इसके बाद इसकी जान को खतरा बढ़ जाने पर तुम यहाँ इसे इस गुमनाम जगह पर ले आए हो। मैं कुछ समझी नहीं इस बात को, इसकी ये हालत कैसे होगी? कौन मारना चाहता है इसे? मैं तुमसे पूछ रही हूं, कौन मारना चाहता है इसे? देखिए बाबा को यहां तक लाने में आपने जो मेरी मदद की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूछ रही, आप जा सकते हैं यहां से। शट अप। देखो तुम इसे इसके दुश्मनों से तो बचा सकते हो, लेकिन जहां जिंदगी और मौत का मामला है तुम इसे मौत से नहीं बचा सकते। इसके लिए तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी ये जगह किसी भी अस्पताल से कोसों दूर है, और एक डॉक्टर होने के नाते मैं इसे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे कुछ दवाइयों की सख्त जरूरत है, इसे फौरन ले आओ। ये लो, देखो मुझ पर भरोसा रखो, इसे कुछ भी नहीं होगा। क्या बच्चों से ऐसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप? इतने बड़े हॉस्पिटल से कोमा का एक पेशेंट अचानक गायब हो गया, 3-3 खून हुए, और आप बोलते किसी ने कुछ देखा नहीं? उसकी देखभाल कौन कर रहा था? कोई भोला नाम का आदमी 3 सालों से उसके पास था, और 2 दिन पहले डॉक्टर पूजा को एक केस सौंपा गया था, लेकिन उस पेशेंट के गायब हो जाने के बाद ना तो वो भोला नजर आया और ना ही वो लेडी डॉक्टर पूजा। डॉक्टर पूजा का पता आपके पास होगा? जी हाँ। डॉक्टर पूजा का पता नोट कर लो। यस सर। और हाँ डॉक्टर साहब, उस पेशेंट के ताल्लुक से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिले तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ज्यादा मुझे अपनी पेशेंट की जिंदगी इंपॉर्टेंट लगती है। मैंने तो वही किया जो मुझे करना चाहिए था। राज, मैं देख रही हूं जब से तुम ठीक होने लगे हो बहुत गुमसुम खोए खोए से रहते हो, जैसे दिल पर कोई बहुत बड़ा बोझ हो या दुख हो। क्या बात है राज? राज कोमा से होश में आने के बाद जब तुमने आंखें खोली तो अपनी मां को याद किया था।
माँ? बेटे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुझे कुछ नहीं हुआ ना माँ? तू क्यों फिक्र करता है, कुछ नहीं हुआ मुझे। गुंडे को वैन से उतार कर क्यों पिटा? कानून को अपने हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? ये गला देखिए, अपनी मां का खून देखकर क्या मैं चुप बैठता? आखिर पुलिस किस लिए है? पुलिस उन गुंडों को बैंक लूटने की सजा देती, मेरे मां के गले पर चाकू रखने की सजा नहीं देती। राज प्लीज प्लीज बेटा, देखिए आप इसकी बात का बुरा मत मानिए, बेटा है ना मां के लिए जज्बाती तो होगा ही, आप इसका कसूर मत देखिए, ये सोचिए कि इसने अपनी जान पर खेलकर भी बैंक को लूटने से बचाया। देखिए मैं इसके जज्बात, इसकी बहादुरी की कद्र करता हूं, मैं इसके हौसले पस्त करना नहीं चाहता, लेकिन इतना जज्बाती होना भी ठीक नहीं। एनीवे, तुम करते क्या हो? मैंने बीएससी पास की है और नौकरी की तलाश में हूं। तुम पुलिस फोर्स ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? मैं और पुलिस? हाँ, तुम जैसे लोगों की तो हमारे डिपार्टमेंट को जरूरत है। हाँ बेटे, सिर्फ अपनी माँ के लिए ही नहीं बल्कि इस देश की धरती माँ के लिए भी तुम्हारा कुछ फर्ज बनता है जो तुम्हें निभाना है। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। बेटा दूध पी लेना। शुक्रिया मां। राज बेटा तू थक गया होगा। अच्छा कल तेरी एग्जाम का आखिरी पेपर है ना? हाँ मां। और फिर रिजल्ट आने में भी कुछ वक्त लग जाएगा, मैं सोचती हूँ इस बीच हम गांव क्यों ना हो आए। ठीक है मां, रघु को मिले भी काफी मुद्दत हो गई, मैं कल ही उसे टेलीग्राम भेज देता हूँ कि हम गांव आ रहे हैं। अच्छा बेटा। ए राज, ए राज, रघु, ए रघु, कैसा है तू? ठीक हूँ। बाजी। रघु बेटे, ठीक है। तेरे बाबूजी कैसे हैं? अच्छे हैं मां। बोला ये ऐसा क्या रख दिया बाबा तूने इसमें? अरे मारा हाथ, कैसे रोको भैया? तू कैसा है? बस जैसा था वैसे ही। चलो चले चले जाना इसको बाबा। ये मुझे कुछ, ये मुझे। चाय गरम चाय, चाय चाय चाय, ये चाय। ए उठ, चाय पीता क्या? नहीं चाहिए। अरे अरे ये भोला कहाँ रह गया? ये चाय पीना। अरे नहीं चाहिए बाबा, बोला ना तुम्हारे को, हम जाने दो। खींचो। अरे अरे देख संभाल उसे, लगता है उसके सर पे चोट लगी, फिर से उसकी आदत चली गई। संभाल ना माँ, ये अभी तक ठीक नहीं हुआ। अरे नहीं रे बेटा, वही एक इलाज है उसका, दोबारा सर पे मारो तो याद आता है।
चाय तुम क्या बाबा बाबू तू यहाँ क्या कर रहे हैं? घर नहीं चल रहे क्या? और माँ कहाँ है? माँ सो रही। माँ 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 ये बाबा को अकल कब आएगी? माँ चल चल घर चल। माँ जी सुमन तूने तो मुझे डरा ही दिया था। कितनी बड़ी हो गई है तू। तेरे माँ और बाबूजी कैसे हैं? अच्छे हैं। घर पर आपका इंतजार कर रहे हैं। ए माँ कौन है? माँ पहचाना नहीं? सुमन है। सुमन कौन? सुमन बचपन में जिसके साथ खेलता था उसे ही भूल गया। ये वही सुमन है। हाँ क्या हुआ? क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ, कुछ कुछ। जब सुमन छोटी सी थी ना तो हमेशा कहती थी कुछ कुछ करो ना, कुछ कुछ करो ना। ये कुछ कुछ क्या होता है? ये होता है कुछ 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 और जवान लड़की के साथ में कोई ऐसी छेड़खानी करता है क्या? लेकिन माँ मैं तो देख रहा था माँ कि वही सुमन है कि नहीं। वही है। बुद्धू कहीं का। जा जाके तैयार हो जा, सुमन के घर जाना है। कुछ शैतान कहीं का, इतना बड़ा हो गया बचपना नहीं गया इसका। कैसे हो बोला? ठीक चल रहा जैसा पहले था। बहुत दिनों के बाद देखा तेरे। बहुत दिनों के बाद आया ना मैं इसलिए। बैठो बोला। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। अंकल घर तो आपने बहुत अच्छा बनाया। अरे बेटा घर तो ऊपर भी बहुत अच्छा बनाया है। सुमन बेटा जाओ राज को ऊपर का घर बताओ। जी आया माँ। आइए ना जा देख ले जा। और सब कैसे? सेब अच्छा है। ले ले ले। मैं नीचे क्यों बैठा हूँ? सिल्क की साड़ियाँ तो वहाँ भी बहुत अच्छी मिलती लेकिन बहुत। और बहन जी कैसा क्या चल रहा है? मेरी बीवी ने मुझे बताया कि आप यहाँ आई, हम आपसे मिलने आने ही वाले थे। बहन जी बोला तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ क्यों बैठा तू है? और मुझे ऐसा घूर घूर के क्या देख रहा है? एक मिनट बहन जी, उल्लू के पट्टे बदतमीज, घर के मालिक मालकिन के सामने ऐसे बैठा जैसे घर का राजा हो। जया चाय बना गला। एक मिनट बहन जी आप बीच मत बोलिए। जया से चल बहन जी। ये बहन जी क्या कर रहा है? चुप। ये सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से इतना बिगड़ा हुआ ये, और एक दिन इसकी वजह से तलाक दूंगा मैं तुमको। बहन जी देखिए एक बार तुम्हें कहा है कि नौकरों को सर पे मत बिठाओ, उनको जूतों की नोक पे रखो। आप खड़े क्यों? आप बैठे ना। बैठे ऊपर बैठी, ऊपर बैठिए। मैं यहाँ देखिए बहुत अच्छा कमरा। किसका कमरा? मेरा। वहां क्या है? खुद ही देख लो। ओके सुमन ये तो बाथरूम क्या हुआ? हे सुमन क्या देख रही है? कुछ ही कुछ ही करो ना, जैसे सुबह किए थे बहुत अच्छा लगा। सुमन सुमन मजाक कर रहा था। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अरे कुछ ही कुछ ही करो ना। नहीं सुमन कुछ कुछ करो ना, एक बार कुछ कुछ करो ना। अरे कहाँ भागे जा रहे हो? आप लीजिए ना, एक ही बात लीजिए ना। अबे क्या है? कैसे लगा बेटा ऊपर का घर? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लो बेटा चाय पियो। मुझे चाय पीना ना। मैं पैर पड़ता हूँ आपके। क्या हुआ? नमक माँ, नमक। चाय में नमक? नहीं नहीं नहीं, मिर्ची 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 नहीं नहीं, गरम मसाला होगा। ये बाबा को अकल कब आएगी माँ? मैं चलता हूँ माँ, चलता हूँ, चलता हूँ माँ, चलता हूँ। अरे चलता हूँ, चलता हूँ, अभी आया, अभी आया। क्यों जा रहा है? चलता हूँ माँ। राज अरे क्या हो गया इसको? अरे 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 बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे 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 जल जाएगा, अरे जल जाएगा, अरे उधर नहीं, अरे 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 उधर, अरे 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 अरे
अरे उधर राज, क्या कर रहा है? अरे नहीं नहीं क्या बात कर पड़े राज? अरे राज राज भगवान, ये क्या हो रहा है तुझे? हे भगवान राज, हे भगवान। ये लीजिए माँ जी। ये क्या है? उनको अजीब अजीब दौरे पड़ते हैं ना, इसीलिए उनके लिए भूतनाथ बाबा से ये तावीज लेकर आई हूँ। बाबा ने कहा है इसे 3 बार चूमना और हमेशा अपने गले से लगाकर रखना। लीजिए माँ जी, उन्हें पहना दीजिए। एक काम करना, राज ऊपर है, तू खुद ही जाकर उसे पहना देना। जी मैं? अच्छा लाओ मुझे तो। तू कहाँ जा रहा है? बैठ इधर, गाजर कौन काटेगा? ओ, जा बेटी, तू पहना देना प्लीज। जाओ। ठीक है, आप कहती हैं तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन माँ जी आप तो जानती हैं, वो मेरी बात नहीं मानेंगे। तू जाके बांधना, कहना कि माँ जी ने कहा है। हाँ जा। ठीक है। कितनी सुशील लड़की है। भूतनाथ बाबा, अभी ठीक करती हूँ। राज, ए राज, ए। राज, क्या मुसीबत है? ए, कुछ कुछ करो ना। कुछ करो ना। कुछ 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 करो ना। चुमान, चुमान उठो। नहीं, पहले करो ना। चुमान वरना माँ को बोल दूंगा, उठो। अरे तुम क्या माँ जी को बुलाओगे? मैं खुद ही बुला लेती हूँ। माँ जी, क्या हुआ बेटी? माँ जी देखिए ना, ये मेरी बात मान नहीं रहे हैं, चूम नहीं रहे हैं। चूम लेना बेटा। कितनी बार कहा था भूतनाथ बाबा ने? 3 बार। 3 बार क्या? देखा, माँ जी ने भी कह दिया, अब जल्दी से मुझे चूम लो और गले से लगा लो। सुमन, सुमन, ऐसे। सुमन, क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत है? माँ ये गले से नहीं लगा रहे हैं माँ जी, कहिए ना। राज क्या कर रहा है बेटे, लगा लेना। गले से। गले से, सुना? माँ ये जो कह रही है वो, अरे वो जो कह रही है करता क्यों नहीं यार? ये चूमने और गले लगाने में तेरा बिगड़ता क्या है? दिमाग खराब करके रख दिया मेरा और माँ जी का भी। माँ जी ये बाबा को अकल कब आएगी? गाजर काट। हाँ? गाजर काट। आज तो मैं माँ जी को जरूर पटाऊंगी। ठंडे ठंडे पानी से ओखाई के पान बनारस ठंडा। अजी सुनते हो, नहाना हो जाए तो बाहर आकर अपना तौलिया ले जाना। तू इधर क्या कर रही है? खुद ही आकर देख लो। देख सुमन, तौलिया वापस दे दे। एक ही शर्त पर, मुझसे शादी करने का वादा करोगे तो। सुमन मुझे गुस्सा मत दिला। नहीं तो क्या कर लोगे? टावल देगी? डरा रहा है? क्यों रे, क्यों डरा रहा है इसे? मैंने कुछ नहीं किया माँ। तो फिर ये डर क्यों रही है? कोई जानवर मानवर देखा होगा माँ। चल छोटा कहीं का, कसम से तूने ही कोई शरारत की होगी। हाँ। एक नंबर का शरारती है। हाँ। बड़े आज शहर के रहने वाले, बेशरम कहीं के, बारह रूम से ऐसे चले आते हैं, इसलिए कि शहर के है ना। शहर की लड़कियां बहुत पसंद है, क्योंकि पैंट शर्ट पहनती है, इंग्लिश बोलती है, ऐसे वैसे चलती है। हा? आज तो मैं उसे दिखाकर ही रहूंगी।
कि मैं भी किसी शहर की लड़की से कम नहीं हूं। मुझे तो तुम किसी जोकर से कम नहीं लग रही हो। ए, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेवकूफ हूँ। मैं भी शहर की लड़कियों की तरह शर्ट पैंट पहन सकती हूँ। हाँ, अपना पैंट नहीं संभाल सकती, मेरा दिल क्या संभालोगी? लगता है आज तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा कि शहर की लड़कियां कैसी होती है। माँ, बस एक ही बात रह गया था मेरे सर पर, वो भी आज। रघु, जरा एक मिनट के लिए बाहर आना। देख रघु, जो बात मैं करने के लिए आया हूं, ये मौका ऐसी बात करने का नहीं। फिर भी क्या बात है? देख रघु, तेरे पिताजी ने हम सबसे थोड़ा थोड़ा कर्जा लिया है, मेरा भी करीब 2000 रुपया निकलता है। मेरा 3000 है। मेरा 500। मेरा 250। आप लोगों के जो भी रुपए निकलते हैं मैं थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा, बस थोड़ी सी मोहलत चाहिए। लेकिन मुझे सारे पैसे चाहिए एक साथ, और वो भी अभी इसी वक्त। क्योंकि इस स्टैंप पेपर पर तेरे बाप ने अंगूठा लगाकर रुपया लिया था। किससे? कायदे से। हाँ, और रुपया लौटाने की मुद्दत जो इसमें लिखी है वो खत्म हो चुकी है। हाँ, पढ़ 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 ले। इसमें लिखी रकम तेरे आंसू से मिट ना जाए इसलिए मैं पढ़ देता हूँ। तेरे बाप ने उधार लिए थे 40,000, ब्याज बना 62,000, कुल मिला के बनते हैं 1,02,000। तू गरीब आदमी है इसलिए 2,000 रुपए माफ कर देता। असल में निकलते हैं 1,00,000, और वो 1,00,000 अभी और इसी वक्त चुकता कर दे। किसे? कायदे से। देखो भाइयों, मैं चाहूं तो आप लोगों से ये कह सकता हूं कि मेरे पिता के मरने के बाद कर्जा डूब गया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। जैसे भी हो, जितना हो सके मैं धीरे धीरे तुम्हारा कर्जा तुम्हें चुका दूंगा। इस बुड्ढे की अर्थी के सामान के लिए पैसे हैं तेरे पास? हाँ, और मुझे देने के लिए नहीं, मुझे अभी चाहिए पैसे इसी वक्त। बस बर्दाश्त सेठ, बस मैं हाथ जोड़ता हूँ, वादा करता हूँ मैं आपके रुपये वापस कर दूंगा, और अगर नहीं कर सका तो जो चाहे मुझसे काम ले लेना। तू मेरे क्या काम आएगा? पैसा दूंगा। रघु, रघु, नहीं बेटा, ये क्या कर रहा है तू? नहीं, ऐसा मत कर, तू क्या? राज, वो रघु आत्महत्या कर रहा है। रघु, 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 दरवाजा खोल, रघु, रघु, दरवाजा खोलो, रघु, रघु। रघु, रघु, ये क्या पागलपन है? शर्म मानी चाहिए तुम्हें, उस दिलों की तरह खुदकुशी कर रहे थे। लड़ना सीखो जिंदगी से रघु, मर्द हो तुम। जो कर्ज चाचा जी ने उनसे लिया था उससे कई ज्यादा कीमती है तुम्हारी अपनी जिंदगी। और मैं क्या मर गया हूं? और माँ, ये क्या तुम्हारी अपनी माँ नहीं है? बोलो रघु, रघु बोलो। वाह भाई वाह, दोस्ती हो तो ऐसी। मैंने तेरे जैसा नेक इंसान नहीं देखा। और मैंने तेरे जैसा हैवान नहीं देखा। ए, सामान संभाल के बात कर, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अपना कर्जा मांगने के लिए 2-4 दिन बाद भी आ सकते थे। अरे इतना तो ख्याल किया होता कि बेचारे का बाप परा है बाप। देखिए बहन जी, यहाँ मैंने तो अर्थी को कंधा देने आया हूँ, ना ही ये बकवास सुनने आया हूँ।
मैं तो अपने पैसे लेने आया हूँ। रुपया मेरा थोड़ा क्या दिख रहा है? ये पेपर देख, पेपर फट्टा पेपर। पैसे चाहिए ना? चल 10-20 हाँ 30-40 बस, सिर्फ 40,000। फिलहाल तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए काफी है, बाकी पैसे मैं एक हफ्ते के अंदर शहर से मंगवा लूंगा। नहीं, हम इंतजार नहीं कर सकते। अगर रुपया नहीं है तो कोई बात नहीं, रघु से कहो कि वो अपनी प्रिंटिंग प्रेस हमें दे दे। मैंने प्रेस दे दिया तो मैं क्या करूंगा? सड़कों पर भीख मांगना। राज, राज ये क्या कर रहा है तू? हमें तो पैसे चुका नहीं है, फिर ये सब। आप लोग ठहरिए, मैं बहन जी इन रुपयों और जेवर से रकम पूरी नहीं होगी। अरे रे 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 वर्धा सेठ, क्यों इस गरीब को परेशान कर रहे हो? आप एक काम करो, कुछ महीनों के लिए इसकी प्रेस किराए पर चलाने के लिए ले लो। हाँ, जब कर्जा पूरा हो जाए तो प्रेस इसे वापस कर देना। किससे? कायदे से। ठीक है राज, तुम इनके साथ जाके पेपर्स तैयार। आइए आइए। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। आज जो एहसान आप लोगों ने मुझ पर किया है, अपनी खाल के जूते बनाकर भी मैं आप लोगों को पहनाऊं, तो भी इस एहसान का कर्ज नहीं बेटा। माँ और बेटे के बीच में कर्ज नहीं, फर्ज होता है। आज अब देवी राज, ए राज, इधर आओ। सुमन, तू सुबह सुबह क्यों यहाँ आती है यार? एक बात बता दे, आखिर तू चाहती क्या है? कुछ कुछ ना, चल आज जी भर के कुछ कुछ कर ही देता हूँ। अब कुछ कुछ से काम नहीं चलेगा। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हें कुएं में कूदकर जान दे दूंगी। हाँ कूद जा, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मैं कूद जाऊंगी। सुमन, सुमन तू बोलती बहुत ज्यादा है, करती कुछ नहीं। जा कूद जा, देख कुआं वहां जा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। कर लेना शादी किसी शहर की चुड़ैल से। शादी मुबारक हो। मेरे मर जाने के बाद मुझे कांधा भी मत देना, फटाके फोड़ना, मिठाइयां बांटना। आ जा 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 जा। तेराज, मैं जा रही हूँ। संभाल के मरना। हे भगवान, जा रही हूँ। सुमन, ये क्या? मैंने तो सिर्फ कहा मैं शादी नहीं करूंगा, कूद गई। तुझे ऐसा कहने की क्या जरूरत थी? कितना प्यार करती थी तुझसे, अपनी जान दे दी। सुमन बोला, बोला क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हटो 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 हटो, बाल्टी गिरी क्या? जा जाके सुमन के माँ बाप को बुला के ला, वो अंदर गिर गई है। माँ, ये बाबा के कारण कूदी ना? माँ, ये बाबा को अकल कब आएगी? माँ जाता है कि मैं जाता हूँ? जाता हूँ, जाता हूँ। माँ जी, सुमन कुएं में कूद गई। माँ जी, माँ जी, माँ जी, दरवाजा खोलिए, सुमन कुएं में कूद गई। माँ जी, हे भगवान। अजी सुनते हो? अजी मैंने कहा सुनते हो? जी बुलाया है, इससे उसकी यादा चली गई। आओ आओ, बोला कैसे आना हुआ? बोला कौन? बोला ये मेरी बीवी है। मैंने कब कहा कि ये मेरी बीवी है? ये तो मेरी दीदी है। नमस्कार दीदी। लगता है इसकी याददाश्त फिर चली गई है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, आज वो तुमको दीदी कह रहा है। आओ आओ, बोला। फिर बोला, सुमन, सुमन बेटे, अरे मुंह क्या देख रहा है? पेट दबा के पानी निकालना। सुमन, बुरा काम मर गया। इस तरह उस शराबी ने 25 आदमी को कुएं में ढकेल दिया। कुआं? हाँ कुआं। फिर एक आदमी उसके पास आया, उसने कहा भाई साहब आप क्या गिन रहे हैं? शराबी ने कहा अंदर झांको,
जैसे उसने झाका, शराबी ने उसे भी ढकेल दिया और गिनने लगा 26 26 26। कुआ कुआ हाँ कुआ। भाई साहब आप यहाँ बैठे हैं, वाह वाह, किसने कुछ बताया नहीं आपको? हाँ बताया ने, एक शराबी ने किस तरह से 26 आदमियों को कुएं में फेंक दिया। हे भगवान, जरूर कुछ। क्या कर रहा है? अरे माँ जी, आप यहाँ क्यों आई है? और आप लोग यहाँ बैठे बैठे मुझे केले खिला रहे हैं और आपकी बेटी सुमन वहाँ कुएं में कूद गई? हाँ भाई साहब, उसने राज की बात का बुरा मान लिया और उसने कुएं में छलांग लगा दी। मैं तो परेशान हो गई। आप लोग कुछ बंजी, आप खामोखा परेशान हो रही है। मैं सुमन को अच्छी तरह से जानता हूँ। इससे पहले भी वो कई बार कुएं में छलांग लगा चुकी है, लेकिन आज तक उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो तैरना बहुत अच्छी तरह से जानती है। सुमन मजाक कर रही थी। आइए चलिए। उसे बताना कि सब देख रहे। बाबा उठ जा, सब देख रहे हैं। अरे क्या हुआ, क्या हो रहा है ये? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये सब क्या हो रहा बाबा? घर की इज्जत मान मर्यादा सब मिट्टी में मिला दी। अरे नाक कटा के रख दी सबके सामने हमारी। तेरे को अकल कब आएगी यार बाबा? अरे माजी आइए आइए, माजी आइए, मिलिए इनसे। बेशर्म बदमाश, बहुत शरारत करने लगी है। घर चल, मैं तेरी टांगे तोड़ डालूंगी। नहीं बहन जी, अब आपका इस पे कोई हक नहीं। आज से हमारे घर की बहू है। नीचे नीचे उतर, नीचे नीचे के सामने। बिल्कुल तुम्हारे पे गई है। क्या कहा राज? तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। क्या? ऐसे नहीं, पहले गले लग जा। आ जा। आईपीएस के लिए तेरा सिलेक्शन हो गया है, अब मेरा दोस्त पुलिस ऑफिसर बनेगा। अरे वाह! रघु भैया आइए ना, थोड़ा और। ओके स्माइल। कुछ पैसे हैं अपने लिए? नहीं माँ जी, अभी रखना कहती हो? नहीं माँ जी। अरे रख ले रघु, रख ले बेटा। और सुन, कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। गांव में हमारा जो कुछ भी है सब तेरा ही तो है। और कभी अकेलापन लगे तो हमारे पास शहर आ जाना, तेरा दिल बहल जाएगा बेटा, समझ गया ना? अरे अरे सीटी बज गई, जल्दी चलो नहीं तो ट्रेन चली जाएगी। अच्छा जी नमस्ते। नमस्ते बहन जी। अच्छा रघु भैया मैं चलती हूँ। नहीं सुमन, रोते नहीं। हाँ देख अपना ख्याल रखना। हा? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम कामयाब कब होंगे। फिकर मत करो वर्दा भाई, अभी रात बहुत हो चुकी है, कल सुबह कोशिश करते हैं। किससे? कायदे से। हाँ। अबे ताला ठीक से लगाए ना, चल।
मुझे यहां मेरी किस्मत खींच लाई है वरदा सेठ। आज मुझे अपनी प्रेस की कीमत का अंदाजा हुआ। जाली नोटों का कारोबार, बहुत बहुत मुबारक हो। इस राज को जानने का अंजाम जानते हो? मेरी मौत और आप लोगों की बेवकूफी। कैसी बेवकूफी? सिर्फ ब्लॉक हासिल कर लेने से कोई करोड़पति नहीं बनता। नोटों की नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। आपके छापे हुए नोट भिखारी भी पहचान के फेंक देगा। ये देखो मेरे छापे हुए नोट्स। इस प्रेस में बचपन गुजरा है मेरा। कलर कॉम्बिनेशन यानी रंगों का तालमेल अच्छी तरह जानता हूं, इसीलिए रात भर इतने सारे नोट्स छाप दिए मैंने। ये देखो, वरदा सेठ, पैसों में बहुत गर्मी होती है, उसे बर्दाश्त करना सीखो वरना जल जाओगे। मेरे साथ हाथ मिलाकर काम करोगे तो सुखी रहोगे। आज 100-100 के नोट्स छाप दिए तो कल 500 के भी छाप सकता हूं, ब्लॉक बना सकता हूं, और फिर मुझ जैसे कारीगर को खोना भी नहीं चाहिए। तुम मार्केट संभालो, मैं छापता जाऊंगा। सोच लो। वरदा भाई, एक मिनट इधर आना। साला बात पते की कर रहा है, भूखा पेट है ना। खोपड़ी बहुत काम कर रही है इसकी। अभी इसके साथ हाथ मिलाकर जितने नोट छाप सकते हो छाप लो, बाद में अच्छा सा मुहूर्त देखकर टपका देते हैं। किसे? कायदे से। हाँ, चीयर्स। बस रघु, इसी तरह तुम नोट छापते जाओ, हम फैलाते जाएंगे, वो भी कायदे से। देश के कोने कोने में हमारे जाली नोट फैल गए हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात तो यह है कि कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली। कमाल है। अरे, बिजनेस में रुपया फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। बस रघु, नोट छापते जाओ, छापते जाओ। साहब, 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 मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। साहब, मेरी बीवी बहुत बीमार है। साहब, ये तेरी बीवी बीमार बहुत रहती है, तू उसे बदल क्यों नहीं देता? छोड़ दे उसे, दूसरी शादी कर ले। साहब, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। उन्हें अनाथ आश्रम में डाल दे भाई, मैं भी तो उधर ही पला बड़ा हूँ, वो भी किससे? कायदे से। गाड़ी रोको। ये लो। साहब, आप अपनी बीवी को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ। आप चलो।
क्या हुआ? साहब लानत है मुझ पर साहब, आपने मेरी मदद की और मैंने आपके साथ क्या किया साहब, गद्दारी। बोलो। साहब बंदा सेठ के कहने पर मैंने आपका फोटो खींचा था साहब, जाली नोट छापते वक्त साहब, मौका मिलने पर वरदा सेठ आपको फंसाना चाहते हैं साहब। आओ आओ रघु आओ, वेलकम वेलकम। अरे रोकड़े वरदा भाई, बनाओ पैकिन के लिए। सोडा या पानी? कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, अरे कमाल करते हो रघु, माल पे माल छाप रहे हो, इतने बड़े आदमी बन गए हो। अरे यार ऐश करो ऐश, जिंदगी में और क्या चाहिए तुम्हें? अरे मेरे भाई ये दो चार दिन की जिंदगी है, कब हमें सलाखों के पीछे जाना पड़े? हाँ हमें या सिर्फ मुझे? अरे यार हमें तो फिर जाली नोट छापते हुए मेरे फोटोग्राफ्स लेने का क्या मतलब? ए, उधर नहीं, इधर इधर, और जवाब दे मेरी बात का, जवाब दे। मेरे कर्ज के नीचे दबा हुआ एक मामूली इंसान जब मेरा पार्टनर बन गया तो उसे रास्ते से निकालने के लिए, उसे हटाने के लिए फोटोग्राफ खींचे मैंने। यह है तेरी बात का जवाब। मैं तो आज तक समझता था कि दौलत इंसान को सिर्फ पागल बनाती है, पर मैं देख रहा हूं दौलत इंसान को सुअर भी बना देती है। रघु, कल तक तो तुझे सिर्फ जेल भेजने का इरादा था मेरा, लेकिन अब सोच रहा हूं कि ऊपर भेज दूं। आज इसके मरने की खुशी में दो पैग और पीऊंगा मैं। साला कहता था कि अच्छा सा मुहूर्त देख के रघु को टपका देते, अब देखो खुद ही टपकने जा रहा है, वो भी कायदे से। वो फोटोग्राफ्स दिखाओ मुझे। एक्सलेंट, तुमने जो वफादारी निभाई उसका सिला तो मैं पहले ही दे चुका हूं तुमको। और ये है तुम्हारी गद्दारी का इनाम। आइए कमिश्नर साहब। नमस्कार भगवान जी, कैसे हैं आप? अरे महाप्रभु। नमस्कार भगवान साहब, पिछले दिनों आपके हाथों राजनीति की एक जानी मानी हस्ती का खून हुआ था, वो इलाका मेरा था, उसकी कुछ झूठी रिपोर्ट्स तैयार किए मैंने। नेताजी ने आत्महत्या कर ली, नेताजी की कार एक्सीडेंट में मृत्यु, और ये नेताजी का अपोजिशन वालों ने कत्ल कर दिया। भाई मेरे ख्याल में अपोजिशन पर इल्जाम लगाना ही अच्छा रहेगा। ठीक है राघवन साहब, आपका एक खास आदमी गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको बाइज्जत बरी करने के लिए मैं 3 नकली सैंपल आया हूं। आपका आदमी मिल मजदूर है, आपका आदमी एक मामूली टीचर है, और आपका आदमी 3-स्टार होटल में एक वेटर है। अब आप हमको ये बताएं कि तीनों सैंपल में से रखना कौन सा है? मेरा आदमी वैसे तो अनपढ़ है, फिर भी स्कूल टीचर बताकर बरी कर दो। जैसा आप कहें हम वैसा करेंगे राघवन साहब। तो ये अग्रीमेंट लीजिए। कमाल कर दिया। हेलो रघु। ए राज। हाँ राज, कैसा है तू? तुम कैसे हो? माँ और सुमन कैसे हैं? माँ और सुमन भी ठीक है, तुझे बहुत याद करते हैं।
मुझे भी उनकी बहुत याद आती है। और मेरे भांजे साहब का क्या हाल है? ठीक है, उसी के मुंडन के लिए हम सब बाहर हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। रोकड़े, कुछ दिनों के लिए हमारे सारे धंधे बंद कर दो। क्यों? मेरा पुराना दोस्त राज, जो अब एएसपी बन चुका है, अपने परिवार के साथ यहां आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी काम की कोई भनक उसको लगे। अरे रघु भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि वो एसपी आपका फ्रेंड है। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। किससे? तुमसे ज्यादा मैं उसे जानता हूं। जितना कहता हूं उतना ही करो बस। माजी, वाह रघु भैया, इतना खूबसूरत घर बनाया है आपने, इतने बड़े आदमी बन गए आप। रखो बेटा, तुझे इस मकाम पे देखकर बहुत खुशी हो रही है। वाकई भगवान ने तेरी मुसीबत के दिन दूर कर दिए। कितने दुख झेले थे मेरे बच्चे ने। इतने बरसों बाद रघु को देखकर इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी आज इसकी तरक्की को देखकर हो रही है। माँ, सुमन आओ, पहले खाना खा लेते हैं, फिर बाद में बातें करते रहेंगे। चलो आओ। इतना पैसा कमा लिया फिर भी नहीं बदला है ना? भगवान इसे और तरक्की दे। हेलो, मैं एएसपी राज से बात कर सकता हूँ? हाँ, कौन बोल रहा है? मेरी जानकारी लेकर क्या करोगे साहब? जाली नोट छापने वाले गिरोह के बारे में जानकारी लीजिए। आज सुबह सदानंद आइस फैक्ट्री में जाली नोटों की बहुत बड़ी डीलिंग होने वाली है। ये खबर तुम यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में भी दे सकते थे। कोई फायदा नहीं होगा एएसपी साहब, यहाँ की पुलिस उनके हाथों में बिकी हुई है। मुझे उम्मीद है आप इस डीलिंग को रोककर उन बदमाशों को गिरफ्तार करने का काम जरूर करोगे। हेलो हेलो, Damn it. तालिया, अब पैक लगा रहे। ए, कौन है बे तू? यही तो मुझे तुमसे पूछना है, कौन है यहां का मालिक और ये जाली नोटों का कारोबार? पता पता कौन है तेरा मालिक? तो सर, इसे अंदर डाल दीजिए। इसे क्यों? एक मुजरिम है सर,
मैंने इसे जाली नोटों के व्यापार में पकड़ा। ये और जाली नोट का व्यापारी? तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं तो इसे अच्छी तरह जानता हूँ, बड़ा सीधा साधा आदमी है ये। नहीं सर, मैंने इसे रंगे हाथ तो पकड़ा है। जा, बेंच पे बैठ जा। हवलदार, इसका नाम आता पता लेकर रख। जा, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी ले लूंगा। जा। लेकिन सर मैं। अबे जा बोला ना, हमारा काम हमें करने दे। जा। यानी आप इसे लॉकअप में नहीं डालेंगे? अच्छा, तो तू मुझे सिखा रहा है? एएसपी राज सेना, स्पेशल ऑफिसर, क्राइम ब्रांच, पटन। मेरे अधिकार तो तुम जानते ही होंगे। यस सर, आप स्टेट के किसी भी कोने में इन्वेस्टिगेशन कर सकते, किसी भी केस का चार्ज ले सकते और मुझे ट्रांसफर भी करवा सकते हैं, या वक्त आने पर मुझे सस्पेंड भी करवा सकते हैं। तुम जैसे अफसरों ने रक्षक और राक्षस दो अलग अलग शब्दों का मतलब एक कर दिया है। तुम इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हो ना, तो पता करो इसके आगे पीछे ऊपर नीचे कौन कौन है। And I want a complete report, you understand? और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो इसके साथ साथ मैं तुम्हारा भी बयान लूंगा, समझे? और हां, मेरे पूछताछ का ढंग बहुत अलग होता है। मेरे मना करने के बावजूद तुमने ये डीलिंग क्यों की? क्यों? रघु भाई, मजबूरी थी, बहुत पुराना कमिटमेंट था, और ये राज के डर की वजह से अगर हमने कुछ नहीं किया तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। और अगर हमारे उस आदमी ने जबान खोल दी तो हमारा ये धंधा हमेशा के लिए चौपट हो जाएगा, ये सोचा है कभी तुमने? सोचने वाली बात ये है रघु भाई कि राज को ये इन्फॉर्मेशन किसने दी, वो भी कायदे से। राघवन साहब, मुझे बचा लो। राघवन साहब, मेरी वर्दी का सवाल है। मैं आपके एसीपी दोस्त को पहचानता नहीं था शक्ल से, इसलिए थोड़ी सी बदतमीजी कर बैठा उनके साथ। भारी पड़ गई ना बदतमीजी, लग गया ना चिलाब। रोक रहे, तू मेरी बेइज्जती कर रहा है। अरे रिश्वत खाने वाले की कोई इज्जत विज्जत नहीं होती। किस बात के पैसे देते हम तुझे? अगर हमारा आदमी तेरी कैद में है तो छोड़ दे उसे, वो भी किससे? कायदे से। कैसे छोड़ू मैं? वो एसपी मुझे धमकी देकर गया, अगर मैं उसका बयान नहीं लिया तो वो मेरा बयान लेगा। तू जानता नहीं उसकी ताकत को, पूरे डिपार्टमेंट को हिलाने की ताकत रखता है वो। तेरा बयान लेकर ज्यादा में ज्यादा वो क्या करेगा? रोकड़े चिल्ला मत, हमेशा पैसा खाता है, एक बार मार नहीं खा सकता। बस। हेलो कमिश्नर साहब है? ठीक है, उनसे कहना कि राज सेना का फोन था। ये लो खाओ। क्या है? पान। लेकिन तुम तो जानती हो मैं पान नहीं खाता। अरे ये पान नहीं है, वो पान है। माजी बंटी को घुमाने ले गई है, अब जल्दी से खा लो। लेकिन माजी और बंटी के बाहर जाने से इस पान का क्या? अरे खाओ ना, जल्दी खत्म करो। कुछ हुआ? चूना ज्यादा है। धत, मैं जो कहना चाह रही हूँ वो तुम समझते ही नहीं, तुम्हें तो मुझसे प्यार ही नहीं है। अरे? प्यार न करता ना तो बंटी पैदा नहीं होता। ज्यादा प्यार करूंगा ना तो अपने ही बच्चों के लिए नर्सरी खोलनी पड़ेगी। तुम नर्सरी की बात कर रहे हो, मैं तो हाई स्कूल के ख्वाब देख रही थी। सुमन राज हाई स्कूल, तुम वहां के हेडमास्टर और मैं वहां की। अरे राज कहां चले गए? हाँ रघु। अरे राज,
कहाँ की तैयारी है? पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। क्यों? जिस चालीनों छापने वाले गैंग के आदमी को मैंने पकड़ा है उसका बयान लेना है। तू यहाँ छुट्टी मनाने आया है या मुजरिमों की छुट्टी करने? हाँ ये तो मैं भी इन्हें समझा रही हूँ लेकिन ये मानते ही नहीं। खाना भी नहीं खाए और चल दिए अपनी ड्यूटी निभाने। सुमान भाई ये तो गलत बात है, भूख तो मुझे भी लगी है। चलो हम दोनों मिलकर खाते हैं। हाँ। नहीं, मुझे बहुत काम है यार। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, थोड़ी देर की बात है, बस खाकर निकलते हैं। रघु बिल्कुल ठीक कहता है, अब थोड़ी देर में क्या फर्क पड़ता है। लेकिन माँ मुझे माँ, माँ कुछ नहीं, मैं खाना लगा दूँ, तुम लोग जल्दी आओ। चलो चलो जल्दी। कुछ नहीं, चलो चलो भैया। बंटी खाना लगने तक हम आंख मिचोली खेलते हैं। देखते हैं तुम्हारे डैडी हमें पकड़ पाते हैं या नहीं। अच्छा लेट काहे को आया मुझे बाहर निकालने? क्या कर रहा था तू अभी तक? रघु भैया बचो, बचो रघु भैया। तू पुलिस स्टेशन में मार के गया तो इंस्पेक्टर के झक मार रहा था, मुझे भी मार। हेलो, हाँ क्या? हाँ हाँ अच्छा मैं अभी आया। सर कौन था वो? तुम में से कोई उसे पहचानते हो? नहीं सर, वो आंधी की तरह आया, हम सब पर हमला किया, पीटर को बाहर निकाला, जान से खत्म कर दिया और निकल गया सर। बहुत पूरा हुआ रघु, बहुत पूरा हुआ। पीटर का जिंदा रहना मेरे लिए बहुत जरूरी था। पुलिस स्टेशन पर हमला और पीटर के खून ने यह साबित कर दिया कि यह कोई मामूली गिरोह का काम नहीं है। बहुत बड़ा हाथ था इसके पीछे, जो भी हो बहुत ताकतवर है वो। बस एक बार मुझे उसका नाम पता चल जाए रघु। बस ज्यादा टेंशन मत ले, कल सुबह बंटी के मुंडन के लिए मेले में जाना है ना, जा जाकर सो जा। हेलो, जाली नोटों का कारोबार करने वालों की ताकत का अंदाजा मिल गया ना एसपी साहब? देखो तुम जो भी हो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ सर, कल सुबह आप मेले में अपने बच्चे के मुंडन के लिए जा रहे हो ना? हाँ हाँ। मैं आपको वहीं मिलकर बता दूंगा कि जाली नोटों का कारोबार कौन करता है। हेलो हेलो हेलो, किसका फोन था? उसी आदमी का जिसने पहले भी इन्फॉर्मेशन दी थी, कहता है कल सुबह मेले में मिलकर मुझे उस आदमी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देगा।
अरे अरे ए, यही पर बोला मैं इधर हूँ बाबा। हाँ मैं अच्छा सुमन बेटे मुन्ने को ले लो चल ना हाँ। ये लो आओ इधर बोला तू इन लोगों के साथ रहे मैं अभी आया ठीक है हाँ? ठीक है तू अपने सारे काम निपटा और जरूरत पड़े तो मेरे को बुला लेना मैं यही ठीक है नहीं, नहीं 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 यहाँ नहीं मारना मैं इस मेले में खोना नहीं चाहता अब तू जा हाँ जा लेकिन तू जा कह रहा बाबा आपको जिसकी तलाश है मैं वही हूं नकली नोट बनाने वाले गिरोह के बारे में तुम क्या जानते हो जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं वो सिर्फ एक नकली नोटों का व्यापारी नहीं बल्कि एक कातिल भी है उस आदमी का नाम क्या है रघु भैया मैं अपने मुन्ने का मुंडन आप ही की गोद में कराऊंगी हाँ मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी और क्या चलो बंटी अपने मामा की गोद में बैठ जाओ नहीं झूठ बोल रहा है तू मेरा रघु ऐसे नहीं कर सकता झूठ बोल रहा है तू मेरा यकीन कीजिए सर मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं ये देखिए यही फोटोग्राफ्स की वजह से उसने मुझे मार डालने की कोशिश की लेकिन मैं बच गया और अब सर अब उसके खिलाफ एक एक जुर्म की गवाही देने को तैयार हूं मैं आ जाएगा आप फिक्र मत कीजिए बैठ जाइए माँ जी मैं देखता हूँ आइए बैठिए बैठिए बैठ जाइए बंदी को संभालो एफआईआर तैयार करता तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं लेकिन सर अगर उसने मरने से पहले मेरे खिलाफ सारा बयान दे भी दिया तो तूने बयान के कागजात राज को क्यों ले जाने दिए क्यों इससे पहले कि वो कागजात लेकर मेरे खिलाफ कोई कदम आगे बढ़ाए तो यह है मेरे दोस्त रघु का असली चेहरा जिस पर न जाने कितने लोगों के खून के छींटे नजर आ रहे हैं क्या तू वही रघु है
वही सीधा साधा शरीफ लघु जिसको लोगों के तानों ने आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था। ऐसा क्यों किया तूने रघु, बोला ऐसा क्यों किया? राज, आखिर कब तक मैं भूख प्यास और गरीबी का मुकाबला करता, कब तक लोगों के ताने सुनता? तू तो जानता है इस समाज ने मुझे बहुत गिरी हुई नजरों से देखा। मेरे बाप की अर्थी उठने नहीं दी लोगों ने, उनकी चिता की लकड़ियां खरीदने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास। बोल, मैं जाली नोटों का कारोबार नहीं करता तो क्या करता? तू मेरे जज्बात को समझने की कोशिश कर राज। रघु, अगर हर गरीब तेरे रास्ते पर चले तो क्या होगा इस देश का? आखिर क्या चाहिए था तुझे? तो ठीक, कपड़ा, छत, ऐश और आराम। रघु, जो कुछ भी मेरा था वो सब कुछ तो तेरा था रघु। बात ही बहन है, फिर तो इस दलदल में क्यों कूद पड़ा? रघु देख मेरे भाई, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अपने आप को कानून के हवाले कर दे। मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं तुझे कम से कम सजा दिलवाने की कोशिश करूंगा, तू अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकता है। मेरी बात मान, अपने आप को कानून के हवाले कर दे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। रघु रघु, आज अगर तेरी जगह कोई और होता ना, तो मैं उसके हाथों में हथकड़ी डालकर जानवरों की तरह घसीटता हुआ उसे पुलिस स्टेशन ले जाता। और रघु, मेरी बात मान ले रघु। नहीं राज, नहीं, ये किसी कीमत पर नहीं हो सकता। मैं तुझसे विनती करता हूं रघु, इज्जत और शराफत से कह रहा हूं, प्लीज प्लीज अपने आप को कानून के हवाले कर दे। अपने आप को कानून के हवाले कर दूं मैं? अरे तेरे कानून ने खुद अपने आप को मेरे हवाले कर रखा है। ये ऐसे नोट फेंकता हूं मैं तेरे पुलिस के मुंह पर। कौड़ियों के दाम बिकता है तेरा कानून, जो 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 जो, और जो बिकता नहीं वो मेरे सामने टिकता नहीं। कोई कुछ नहीं करेगा, एक जान से मार डालूंगा साला। जाओ यहां से, जाओ, निकल जाओ। तूने मुझ पर इसीलिए हाथ उठाया ना कि मैं तेरे और तेरी मां के एहसान के नीचे दबा हुआ हूं? हां, चल आ, आ मेरे साथ चल। मुझ पर तुम्हारा कर्ज है ना, सब चुका दूंगा आज। ये है ना वो मंगलसूत्र, यही है ना जिसको बेचकर तेरी मां ने मेरा कर्जा चुकाया था? अरे नहीं चाहिए तुम्हारा ये एहसान, ये लो उठाओ। हाँ 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 हाँ, और कुछ रुपये भी दिए थे ना तुम लोगों ने? हाँ, ठहरो, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, लो 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 लो, उठाओ। मेरी खातिर अपने पुरखों की इज्जत बेचकर
मेरा कर्ज चुका रही। पुरखों ने जो इज्जत कमानी थी वो तो कमा के चले गए, लेकिन आज आज तेरी इज्जत सबसे प्यारी है बेटा। तू बहुत दूर निकल चुका है रघु, इतनी दूर जहां मेरी हमदर्दी तुझ तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन मेरा फर्ज तुझ तक जरूर पहुंच सकता है। चल मेरे साथ। वारंट लाया है क्या? हाँ, अब ये कलाई कल के रघु की नहीं, आज के राघवन की कलाई है। इस पर राखी बांधने के लिए तेरी बीवी को भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। हथकड़ी तो बहुत दूर की बात है। आइंदा मेरे घर में बिना वारंट लिए मत घुसना मिस्टर एएसपी राज। आइंदा जब भी आऊंगा अरेस्ट वारंट लेकर आऊंगा राघवन, फिर देखता हूं कुर्सी का कौन सा दलाल बचाता है तुझे, देख लूंगा। तुम्हें अभी इसी वक्त शहर जाना पड़ेगा। क्यों? ये उन सबूतों की ज़ेरॉक्स फाइल है, इन्हें कमिश्नर साहब को पहुंचाना बहुत जरूरी है। अच्छा। समझे? चाहो उन्हें दे आओ। चाहो ठीक है, उन्हीं के हाथ में देना भोला। हेलो राज, अब तुम जाकर मैजिस्ट्रेट से राघवन का अरेस्ट वारंट हासिल कर सकते हो। थैंक यू सर। राज, शहर की जानी मानी हस्ती और एक जिगरी दोस्त के खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हो तुम। बेस्ट ऑफ लक, मुझे तुम पर गर्व है। गुड मॉर्निंग सर, दिस इज जयस त्रिपाठी स्पीकिंग सर। हाउ आर यू सर? वन सेक सर। बोलो बोलो। मुझे इस वारंट पे आपकी सिग्नेचर चाहिए। कलेक्टर साहब से बात कर रहा हूँ, दो मिनट। बैठो बैठो बैठो। आई एम वेरी सॉरी सर। सर आपका खादिम हूं सर। सुमन बेटे, रात बहुत हो गई है, तू भी अंदर से दरवाजा बंद कर ले और सो जा। जी। भैया आप इस वक्त? रघु भैया क्या बात है, क्या क्या देख रहे हैं आप? वो तो इस वक्त घर पर नहीं है। माँ जी, माँ जी। रघु आ बेटा, अब तो तुझे रघु कहते हुए भी शर्म आती है, पैसे वाला हो गया है ना तू। अच्छी ठंडक पहुंचाई अपने माँ के कलेजे को। अरे इस माँ ने तो अपने इकलौते बेटे की मोहब्बत को बांटकर आधी मोहब्बत तुझे दे दी। तुझे, तेरे यतीम होने के बाद तेरे सर पे ममता की छांव रखी, अपने पुरखों की इज्जत बेचकर तेरी इज्जत बचाई। नहीं सिला नहीं मांग रही हूं तुझसे, कोई मां अपने बच्चे से अपनी ममता का सिला कभी नहीं मांगती, लेकिन ये क्या किया रघु तूने? अगर कोई खुशी नहीं दे सकता था तो कम से कम इस बात का दुख तो न देता कि मुजरिम हो गया है तू। कहां है मेरा रघु जो अपनी खाल की जूती बनाकर अपनी माँ को पहनाना चाहता था? कितना बदल गया है रे तू। कल का रघु इस घर में अपनी माँ और भाई का आशीर्वाद लेने आता था,
और आज का ये रघु अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर हमें धोखा देने आता है। कल का रघु इस घर में अपनी बहन से राखी बंधवाने आता था और आज का रघु इसी घर में इसी बहन को उसके सुहाग को छीनने की धमकी देके जाता है। मर गया है हमारा वो रघु, और ये जो रघु सामने खड़ा है उसे हम नहीं जानते। निकल जा यहाँ से, तुझसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। यस सर जी, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी बच्चे बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन वो सर क्या बताऊं कि वायरस फीवर चल रहा था, छोटे बच्चे को बुखार था सर जी, अब बिल्कुल ठीक है सर जी। मुझे सिर्फ फोटोग्राफ्स की फाइल चाहिए। कौन से फोटोग्राफ की फाइल? जिसकी बुनियाद पर राज मुझे जेल भेजना चाहता है। मुझे किसी फाइल के बारे में नहीं मालूम, और अगर मालूम भी होता तब भी तुझे कभी नहीं बताती। माँ मत बोल मुझे माँ, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। माँ जी, माँ जी आप कुछ मत कहिए। भैया हमें कुछ नहीं पता कि वो फाइल कहाँ है, आप उनसे पूछ लीजिए। सुमन, राज से बात करके कोई फायदा नहीं, तुम मुझे वो फाइल दे दो। मैं कह रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता कि वो फाइल कहाँ है। लगता है वो फाइल मुझे ही ढूंढनी पड़ेगी। रघु, खबरदार जो किसी चीज को हाथ लगाया तो। भैया आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, चले जाइए। इसके आगे हाथ मत जोड़ सुमन। रघु मैं कहती हूँ शराफत से चला जाए यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। चल निकल यहाँ से, निकल के। कौन है ये लोग? तुम दोनों अंदर जाओ, ये लोग फाइल ढूंढ लेंगे। अगर इन्होंने किसी भी चीज को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा, मैं कह देती हूँ। रघु मैं जो कहता हूँ उतना सुनो, तकलीफ मत दो मुझे। सुमन तुम माँ को लेकर अंदर जाओ। छोड़। साहब मैंने आपको पहले ही बोला था, ये काम हम पर छोड़ दो, आप जाइए, हम फाइल ढूंढ लेंगे। जो भी करना है करो, बस मुझे वो फाइल चाहिए। तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारे सांप को मारा। भाभी तो मायके गई है सर, काले की शादी है ना जी, आपको तो पता है कि सारी खुदाई एक तरफ और चोरू का भाई एक तरफ। लव मैरिज कर रहा है सर आज के जमाने में। लेकिन आपको तो हर कीमत पे शादी में आना है। प्लीज सर, अगर आप नहीं आएंगे तो हमारी इज्जत कैसे बढ़ेगी सर? अरे देखिए, माना आप और हम दोनों क्लास फेलो थे, लेकिन आपका रुतबा कहीं ऊंचा है सर। देखिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। देखिए, हेलो हेलो हेलो, मेरे ऑफिस में बदतमीजी, इस पे साइन कर। इस पे साइन कर। साइन दिस, आई सेड साइन द डैम थिंग। करता हूं, करता हूं। हेलो राज, हेलो
हेलो राज, इस वक्त कानून का रक्षक बनने से ज्यादा तुम्हारा अपने परिवार की रक्षा करना बहुत जरूरी है। क्या किया तूने? रघु, रघु! क्या हो गया माजी? माजी, उठ जाइए माजी, उठिए, उठिए माजी। हेलो 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 पुलिस स्टेशन। यस पुलिस स्टेशन। हेलो मैं एसपी राज की पत्नी बोल रही हूँ। हमारे यहाँ मेरे माजी को मार रहे हैं। रॉन्ग नंबर। जिंदगी में कई लोगों को टपकाया, वो भी कायदे से, हाँ, पर कोई वापस नहीं आया। ये राज तो आया, वो भी मौत से लड़कर। तब साला चमचा, तब मेरे को ज्यादा टेंशन नहीं देने का, तो मेरे से दारू पिया हूँ टेंशन उतारने के लिए, लेकिन मेरे को टेंशन देता है। एशियन के मुझको सिक्योरिटी दे यार, मुझको
का सिक्योरिटी थे। देख मेरी बीवी हार्ट की पेशेंट है और मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे सिक्योरिटी थे। देख मैं मजिस्ट्रेट हूँ यार, मैं मजिस्ट्रेट हूँ। तू मजिस्ट्रेट है तो क्या मैं एग्जाम हूँ? क्या मेरी शादी नहीं हुई? क्या मेरे बीवी बच्चे नहीं है? साला पूरी स्टेट की नाकाबंदी करवाई थी मैंने, उस टाइम बच निकला वो राज, लेकिन अब नहीं बचेगा, अब नहीं बचेगा। शिरके तुम बेवकूफ हो। हाँ? ये काम पुलिस का नहीं है। क्या नाम बताया था तुमने उस लेडी डॉक्टर का जो राज को लेकर भागी? पूजा मल्होत्रा। मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दो पूजा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगी। मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दो। मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, जाने दो। तुम्हें बदला लेना है ना, लो जरूर लो बदला, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। एक बदले की भावना के सिवाय तुम्हारे पास उनका मुकाबला करने के लिए और क्या है? सिर्फ हिम्मत की नहीं राज, ताकत की भी जरूरत है। ताकत की जो तुम्हारे जिस्म में बिल्कुल नहीं है। इस वक्त राज इस हालत में जाओगे तो दुश्मन को मिटाने से पहले खुद मिट जाओगे। अपनी माँ और पत्नी की मौत का बदला लेने से पहले मिटना पसंद करोगे तुम? बोलो, जवाब दो मुझे राज। हथियार बनाने के लिए लोहे को दहकती आग में झोंकना पड़ता है, उसी तरह तुम्हें तुम्हारे अंदर दहक रही आग में तप कर खुद हथियार बनना है। तुम्हें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। बंटी बेटे। जी अंकल। तुम हमेशा मुझसे पूछते थे ना कि तुम्हारे पापा कौन हैं, उनका नाम क्या है। अब तुम्हें ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बहुत जल्द तुम्हारे पापा से मिलने जाएंगे। सच अंकल? हाँ, हम कल ही की फ्लाइट से तुम्हारे पापा से मिलने जा रहे हैं। राघवन साहब, प्रताप सक्सेना आ रहा है, मतलब कि वो फाइल फिर से खुलने वाली है जिसके बल पर राज आपको अरेस्ट करना चाहता था। उसमें मेरा साइन किया हुआ आपके नाम का अरेस्ट वारंट है। राघवन साहब, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मजिस्ट्रेट साहब, आप भी बेकार में टेंशन ले रहे हो। राज का पता चल गया है कायदे से, अब तो उसे काट के दफन करना है बस। नहीं, राज को दफन करने से वो फाइल दफन नहीं होगी, वो मरते मरते भी हमारी कब्र खोद कर जाएगा। राज का मरना जितना जरूरी है, वो फाइल भी उतनी ही जरूरी है, और फाइल हासिल करने का एक ही रास्ता है। क्या बंटी सचमुच जिंदा है? हाँ बाबा, बंटी जिंदा है।
तुमको घायल करने के बाद रघु के आदमी जब बंटी को मारना चाहते थे तो मैं और कमिश्नर साहब वक्त पे पहुंच गए और बंटी को बचा लिया। फिर तूने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया? भोला को मैंने मना कर रखा था। तुम अभी अभी कोमा से निकले हो राज, अचानक मिली कोई भी खुशी तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकती थी, इसीलिए मैंने। क्या कहा उन्होंने? कहां ले गए मेरे बच्चे को? बोलिए सर, बताइए। बंटी को कुछ नहीं होगा राज, जब तक राघवन के खिलाफ तैयार की गई फाइल हमारे पास है वो लोग बंटी को कुछ नहीं करेंगे। और हां राज, तुम्हारी इस फाइल के बल पर राघवन को अब तक गिरफ्तार ना करवाने की कई वजह हैं। एक तो ये कि मैं रिटायर हो चुका था, और दूसरी ये कि मुझे किसी भी हालत में तुम्हें पुलिस के सामने हाजिर करना पड़ता जबकि मैं तुम्हारी मौत डिक्लेयर कर चुका था, ताकि दुश्मनों की तवज्जो तुम पर से हट जाए। इसलिए मैंने कोई मूवमेंट नहीं की। भोला को तुम्हारे पास छोड़कर बंटी को लेकर मैंने ये शहर ही छोड़ दिया। एनीवे, मैं पुलिस हेडक्वार्टर्स जा रहा हूं, तब तक तुम कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगे जिससे तुम्हारे या बंटी के लिए कोई खतरा पैदा हो सके। मैं भी आपके साथ चलता हूं, ख्याल रखना। चलो। हेलो। नई जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो। रघु, 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 मेरा बेटा कहाँ है? कमीने, मेरा बेटा कहाँ है? मेरे कब्जे में, थोड़ा घबराया हुआ है। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना, ना, तेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर तूने वो फाइल नहीं दी तो कुछ भी हो सकता है। बस वो फाइल दे दे, बच्चा तुझे मिल जाएगा। मेरे आदमी वहां पहुंचते ही होंगे। राज, मैं फाइल लेने आ गया हूं। राज, राज किधर गया? तुम लोग उधर जाओ, तुम लोग उधर ऊपर, तुम लोग सामने जाओ। यहां तो कोई नहीं, चलो। राज तो नहीं, उधर भी नहीं है, ऊपर भी नहीं है सर, ऊपर भी नहीं है, उधर भी नहीं है। अरे इधर भी नहीं है, उधर भी नहीं है, तो फिर गया किधर? अरे मैंने तुम लोगों से कहा था कि वो बहुत शाना। चलो सब लोग मारने के लिए तैयार हो जाओ, मेरा मतलब है वो भी कायदे से। लाश को निकालो। गाड़ी में तो कोई नहीं है सर। क्या बोलता है? अरे मैंने कहा था ना वो शाना है। चलो चलो बाहर देखो, बाहर देखो, चलो चलो, आओ आओ बाहर आओ। उधर से भी, उधर जा तू। बचाओ, बचाओ!
बता बता कहाँ है मेरा बच्चा? बताता हूँ। अफसोस है, एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले के हाथों आज मरेगा। और मुझे खुशी है कि इस पुलिस डिपार्टमेंट से एक बिकाऊ पुलिस वाला कम हो जाएगा। राघवन साहब, राज हमारे आदमियों को ऐसे मार रहा है जैसे प्लेग फैलने के बाद चूहे पकड़ पकड़ के मारे गए थे। उसका बच्चा चाहिए। ला। सकता
सामने आ। राज, बंदूक फेंक दे, बंदूक फेंक दे। ऐसा नहीं, पहले खाली कर दो, खाली कर दो। मैंने कहा था ना, मैं जेल नहीं जाऊंगा। तू मुझे जेल नहीं भेज सकता। तू जाएगा इस दुनिया से, मैं नहीं, तू जाएगा। गोली भर इसमें। जेल जाने की कोई जरूरत नहीं, रखो कोई जरूरत नहीं। जरूरत नहीं। Yes, sir.